हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आज मैं इस वीडियो में सात इंच युगल जोड़ी के लिए यानी कृष्णा जी के लिए पोशाक बनाकर तैयार करूंगी पार्ट वन में आपको राधा रानी के लिए लहंगे को बनाना बताया गया है और पार्ट टू में श्रग को बनाना बताया गया है पार्ट थ्री में आपको कृष्णा जी के लिए शॉर्ट प्रोक एंड पजामे को बनाना बताया जा रहा है चलिए आइए कृष्णा जी की पोशाक भी बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने राधा रानी के श्रग की चोली को बनाकर तैयार किया सेम ही कृष्णा की चोली को बनाकर भी तैयार करेंगे और चोली बनाने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ से आगे का पैटर्न तैयार किया सेम ही ऐसे ही डिजाइन में कटकांच में भी बनाकर तैयार करूंगी कृष्णा की चोली बनाने के बाद एक राउंड मैंने डबल क्रोशे के साथ चलाया और इसको कैसे किया टू डबल करोशे के ऊपर टू डबल करोशी और थर्ड डबल करोशे के ऊपर टू डबल करोशे यानी एक डबल करोशे के बीच में टू डालने के बाद इस राउंड को कंप्लीट किया पाँचवी को तो फ्रॉक स्टाइल में बनाएंगे और इसके लिए सेम ही डिज़ाइन रहेगा जैसे कि मैंने श्रग में बनाया तो थ्री चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल करोशे और बनाएंगे वन चेन और इसी चेन के अंदर टू डबल करोशे आगे बनाएंगे फ़ोर डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर कोई चेन नहीं ली जाएगी सीधा टू चेन को स्किप करने के बाद थर्ड चेन के अंदर फिर से फोर डबल क्रोशे वन चेन और इसी के अंदर टू डबल क्रोशे और बनाएंगे चार डबल करोशे बनाने के बाद यहाँ कोई चेन नहीं ली जाएगी और टू चेन को स्किप करने के बाद थर्ड चेन के अंदर फोर डबल क्रोशे बनाएंगे टू वन चेन और इसी के अंदर टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो इस राउंड को चार चार डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे और इसके नीचे भी यानी टू राउंड को चार चार डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर लेते हैं टू राउंड कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आए और चार डबल क्रोशे के बीच में आने के बाद थ्री चेन बनाई और इसी के बीच में टू डबल क्रोशे और बनाएंगे वन टू तो थ्री चेन बनाई तो इसको भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे तो ये टोटल थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन और इसी के अंदर इसी होल के अंदर थ्री डबल क्रोशिया और बनाएंगे टू तो ये थ्री तो नीचे मेरे चार डबल क्रोशिया बना तैयार किए और ऊपर छः डबल क्रोशे बनाकर तैयार किए और आगे फिर मैं चार डबल क्रोशे के बीच में आने के बाद वन टू थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाने के बाद वन चेन और फिर थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे वन टू थ्री तो सिक्स डबल क्रोशे बनाने के बाद इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इससे ऊपर भी एक और राउंड सिक्स डबल करोशे के साथ कंप्लीट करेंगे नीचे का राउंड सिक्स डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करने के बाद आगे मैंने रेड कलर के धागे को उठाया और इसे एट डबल क्रोशे बनाकर तैयार किए और यहाँ पर कोई चेन नहीं ली जाएगी और सीधा सिक्स डबल करोशे के बीच में आएंगे और चार डबल करोशे बनाएंगे वन टू थ्री फोर चार डबल क्रोशे बनाने के बाद वन चेन और इसी के अंदर चार डबल क्रोशे और बनाएंगे वन टू थ्री फोर फोर यानी चार डबल इस साइड और चार इस साइड और बीच में एक चेन बनाने के बाद यानी टोटल एट डबल क्रोशे बनाकर तैयार करेंगे और फिर सीधा डबल क्रोशे के बीच में और यहाँ पर भी आठ डबल क्रोशे बनाकर तैयार करेंगे तो इस तरीके से ही इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं नीचे के राउंड कंप्लीट करने के बाद ऊपर मैंने रेड कलर का एक राउंड चलाया और इसके ऊपर लास्ट राउंड रेड कलर का ही चला रही हूँ यानी टू राउंड मैंने रेड कलर के ही चला कर तैयार किए और लास्ट राउंड को कैसे चलाएंगे एक डबल क्रोशिया मैंने इस साइड छोड़ा और एक डबल क्रोशिया इस साइड छोड़ेंगे और यहाँ पर आएंगे यहाँ आने पर डबल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर बीच में आएंगे और बीच में आने के बाद थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद फोर चेन बनाएंगे और टू लूप उठाने पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसी के अंदर थ्री डबल क्रोशिया और बनाएंगे वन टू थ्री फिर आगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया इस साइड से छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया इस साइड से छोड़ेंगे और आगे आएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में आने के बाद थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद फोर चेन और टू लूप उठाने पर स्लिप स्टिच करेंगे फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया इस साइड से छोड़ा एक डबल क्रोशिया इस साइड से छोड़ेंगे और आगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट राउंड ऐसे दाने वाला पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा लास्ट राउंड चलाने के बाद कटकांचनी यानी शॉर्ट फ्रॉक बनकर तैयार है और यहाँ से भी मैंने आउटलाइनिंग बनाई है रेड कलर से और बाजू को भी फुल बनाएंगे और किसी ने कमेंट करके पूछा है मैम बाजू कैसे बनेगी यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और सभी चेन के ऊपर वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे एक राउंड सेम ही चलाएंगे और दूसरे राउंड में कैसे करेंगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया को मैनिस करेंगे यानी कम करेंगे फिर आगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया चलाते हुए आएंगे फिर आगे के राउंड में एक डबल क्रोशिया कम करेंगे डबल क्रोशिया कम करेंगे तो इसको पांच राउंड तक हम बनाकर कंप्लीट करेंगे एक राउंड सेम ही रहेगा और आगे के तीन राउंड में एक एक डबल क्रोशिया कम करेंगे तो इससे ये बाजू जैसे कि ये मैंने श्रग में बनाई तो ऐसे रेप के साथ बाजू बनेगी क्योंकि यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया रहेगा यहाँ एक कम किया एक कम यहाँ पे किया एक यहाँ पे किया ऐसे करते करते हम पांच राउंड तक इसको बनाकर तैयार करेंगे दोनों बाजू बनाने के बाद कृष्णा जी की शॉर्ट फ्रॉक बनकर कंप्लीट है एक बाजू को यहाँ से बंद किया गया और एक बाजू को ओपन रखा गया है क्योंकि कृष्णा जी की एक बाजू टेढ़ी होती है उनको ब्लाउज यानी यहाँ से फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाती इसलिए एक बाजू को ओपन रखा गया और यहाँ पर टू हुक लगाई जाएगी जब भी आप पहनाओगे कृष्णा जी को इस तरीके से हुक को बंद किया जाएगा कलर से कृष्णा जी के पजामी बनाकर तैयार करेंगे और इसके लिए धागे को उठाया और यहाँ पर चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये सिक्सटीन और सेवेंटीन सेवनटीन चेन बनाने के बाद फिर सिक्सटीन चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे सिंगल क्रोशिया, फिर आगे सिंगल क्रोशिया तो इस राउंड में सभी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं फर्स्ट राउंड सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करने के बाद आगे येलो कलर का राउंड चलाएंगे और इसमें भी सिंगल क्रोशिया के साथ ही चलाएंगे सभी सिंगल क्रोशे के ऊपर सेम ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस राउंड को भी सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट कर लेते हैं एक राउंड सिंगल क्रोशे के साथ रेड कलर का कंप्लीट किया और ऊपर टू राउंड सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट किए येलो कलर के धागे से और आगे रेड कलर का धागे को आगे करेंगे मैंने नीचे से कट नहीं किया था इसको ऊपर किया और ऊपर करने के बाद यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे और आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और इसको सीधी साइड से करेंगे क्योंकि ये राउंड बैक साइड का था तो सीधी साइड से करने के बाद यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे थ्री चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे यानी एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और आगे सेम ही डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस राउंड में भी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाए बनाया जाएगा और बैक साइड का भी राउंड ऐसे ही बनाया जाएगा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया तो ये टू राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी साइड का और बैक साइड का राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए और फिर आगे थ्री चेन बनाएंगे थ्री चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाया जाएगा यानी एक डबल क्रोशिया मैंने नीचे बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया क्रोशिया बढ़ाने के बाद आगे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया जाएगा इस राउंड को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बैक साइड का राउंड भी कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे तो टू राउंड यहाँ ऊपर के भी कंप्लीट कर लेते हैं आगे टू राउंड चलाने के बाद धागे को कट किया और यहाँ एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ाया तो यानी टू डबल करोशिया बढ़ाने के बाद मैंने धागे को कट किया और राउंड देखेंगे तो रेड कलर के राउंड फोर बनाने के बाद पजामे की लेंथ कंप्लीट की और यहाँ से यहाँ तक आपको बता देती हूँ सवा दो तो तो इंच की लंबाई तैयार है और सवा दो इंच में मैं ऊपर खिसकत बनाऊंगी तो इसकी टोटल लंबाई सवा तीन इंच की कंप्लीट रहेगी यानी एक इंच की ऊपर खिसकत बनाऊंगी तो ये एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया ऐसी सेम ही मैं सेम ही डबल क्रोशे के साथ दूसरा पार्ट कंप्लीट करूंगी और इसमें मैंने डबल क्रोशिया इस साइड से टू तो डबल क्रोशिया बढ़ाए तो दूसरे पार्ट में मैं इसी साइड से टू डबल क्रोशिया बढ़ाऊँगी और सीधी साइड से बढ़ाऊंगी इस साइड से बिल्कुल सीधा रखा जाएगा जैसे कि इस साइड से सीधा रखा गया तो सेम ही दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों पीस यानी दोनों टांगों को बनाकर कंप्लीट किया और आपने ये देखना है कि सीधी साइड से रेब इस तरफ आनी चाहिए यानी जो डबल क्रोशिया हमने बढ़ाए तो दोनों एक ही साइड आने चाहिए और इस साइड प्लेन रहेगा तो आगे मैं पाँचवा राउंड यहाँ से चलाती हुई यहाँ तक आऊँगी पाँचवें राउंड को यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और बनाते हुए यहाँ तक आए और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर रह गया है और इसमें कैसे करेंगे लूप लेने के बाद लास्ट वाले डबल क्रोशिया में ऐसे डालेंगे और साथ ही दूसरे पार्ट को भी पकड़ेंगे और इसके भी बीच में से क्रोशिया को निकाल लेंगे और ऐसे दोनों को दोनों फंदों को गिराएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा और इसके बाद फिर सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और इससे ऊपर तीन राउंड को भी सेम ही डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे ना यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया कम किया जाएगा और ना ज़्यादा किया जाएगा तो ये आगे के राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चार राउंड चलाने के बाद पजामे कंप्लीट है और लेंथ साढ़े तीन इंच की लेंथ कंप्लीट रहेगी और यहाँ पर साइड में ऐसे हुक लगाई जाएगी एक साइड में तीन हुक लगाई जाएगी और एक साइड में टू हुक लगाई जाएगी और हुक को लगाने के बाद ऐसे आप बंद करोगे और इस तरफ से भी ऐसे हुक के साथ बंद किया जाएगा तो ये पजामी कंप्लीट है आप बताना पजामी कैसे बनी थैंक यू एंड राधे राधे